कुन से भी बातचीत की कि पुलबैक्स पे लेने का रुझान बनाए, इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं खिंचा हुआ भी है। आप कौन से आइडियाज के ऊपर इससे बेट करना चाहेंगे जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो? एब्सोल्युटली अजय, इनफैक्ट आपने बहुत सही बताया। कुछ समय पहले से जब हम बात कर रहे थे कि यू नो जब मार्केट्स इतना अच्छा रनअप दे चुके हैं तो एफएनओ में स्टॉक्स ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज यू नो कॉल्स जो हैं कॉल बेस के बहुत ज्यादा पास में लेवल्स ट्रेड कर रहे थे, इसलिए रुझान थोड़ा सा यू नो कैश की तरफ हो गया था, स्पेशली मिड कैप की तरफ। फिलहाल कल के कल और परसों के रनअप के बाद एक सिमिलर सिचुएशन आई है जहां पे बहुत से एफएनओ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई कॉल बेस के पास आ चुके हैं, हो सकता है कि थोड़ी देर साइडवेज चले। तो इसके चलते जो मेरे तीन पिक्स हैं उसमें से एक FNO है, दूसरा कैश से है। पहला मेरा पिक है AII इंजीनियरिंग। अगेन इस सेक्टर के बारे में तो अब क्या ही और ना बात करें, देयर हैज बीन यू नो स्टुपेंडस रैली इस स्टॉक में, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली देखें ट्रेंड ऊपर का ही रहा है, लेकिन 2640 के जो जोन्स हैं इसको ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं क्रॉस कर पा रहा था कुछ समय तक, ऑल्दो पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। कल स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है 2640 के ऊपर, बहुत कंफर्टेबली स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम एक्शन में भी एक अपटिक देखा गया है, तो ये स्पेस में तो एक्शन है ही। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट के बाद ये मोमेंटम फर्दर जारी रह सकता है। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 2750 के टारगेट्स के लिए लीजिए, 2635 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज KEI इंडस्ट्रीज। अगेन इस स्टॉक में भी अच्छा खासा मोमेंटम बना था, स्टॉक 1600-1620 के आसपास आया था और वहां से एक हल्का सा स्टॉक में यू नो डिप आया है, जहां स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके अच्छा सा रिबाउंड दिया है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। यहां पे अगर आप बाय करते हैं तो इसके जो रीसेंट हाई है करीब 1600-1610 के आसपास, ये आपका टारगेट बनेगा, 1515 का स्टॉप लॉस। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज विष्णु केमिकल्स। अगेन द स्टॉक हैज सीन अ वेरी नाइस रन अप, हल्के से करेक्शन के साथ अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया है, बट कल का जो प्राइस एक्शन था उसमें स्टॉक ने उसको फिर से कॉन्कर किया है। यू नो कहीं भी इसका इंडिकेटर सेटअप बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हुआ है, इनफैक्ट एक नई रैली की शुरुआत होती है यहां से दिख रही है, और जैसा कि आपने पूछा पे ऑफ के हिसाब से तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेट यही लग रहा है। तो यहां पे जो रीसेंट जो इमीडिएट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 2080 के और जो स्टॉप लॉस है वो 1985 का निकल के आ रहा है, तो ये होंगे मेरे तीनों पिक्स। ग्रीन केमिकल स्पेस विष्णु केमिकल्स पर बुलिश नजर या 2080 के टारगेट्स कुश के KEI इंडस्ट्रीज और साथ ही AIA इंजीनियरिंग। यू राइट कुश, वॉल्यूम्स बिल्टअप होते हुए AIA इंजीनियरिंग में नजर आए, कॉल ऑफ द डे आपकी यही मान ली जाए? जी हाँ बिल्कुल, और रीसेंट ब्रेकआउट भी आया है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है, AIA इंजीनियरिंग वुड बी माय कॉल ऑफ द डे। ओके, करीब 4% की तेजी कल हमने देखी, आज भी तेजी इंटैक्ट रह सकती है। संतोष गुड मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? मेरी दो कॉल्स है, दोनों ही बाइंग साइड की है। जैसा निकुंज सर ने कहा कि भारती को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो मेरे आज के कॉल भारती रहेगी। इसमें चार्ट की बात करें तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, स्टॉक में 780 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसका ब्रेकआउट आया, अब स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो 800 के कॉल राइटर है वो बैकफुट में नजर आएंगे, वहाँ पर अभी हाईएस्ट लॉन्ग बिल्ड हाईएस्ट पोजीशन बनी हुई है, तो जैसे ही 800 का लेवल क्रॉस करता है तो और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। यहाँ पर इमीडिएटली 815 का टारगेट रहेगा और नीचे 782 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर कोई पोजिशनली रखना भी चाहता है तो शायद आने वाले दिनों में स्टॉक 4 डिजिट में भी जा सकता है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक मेरा सिप्ला है, फार्मा की बात हुई और कहा गया कि डोमेस्टिक पर जो बिजनेस में है उस पर फोकस करना चाहिए, तो सिप्ला उसका एक बहुत अच्छा प्लेयर है, का स्ट्रक्चर काफी अच्छा मोमेंटम स्ट्रांग है, इसने एक पुल बैक के दौरान एक बुलिश पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और काफी कल अच्छा स्ट्रांग मोमेंटम दिखाया और यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होते दिखे। यहाँ भी 1100 के जो कॉल राइटर है वो बैकफुट पर नजर आते दिख रहे हैं, तो यहाँ पर इमीडिएटली 1125 का टारगेट रहेगा और 1069 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरी आज की सिर्फ दो कॉल है। ठीक है, भारती और सिप्ला। तो सिप्ला क्योंकि कल फार्मा स्पेस केमिकल स्पेस इनमें फ्रेश लॉन्ग्स बने थे, ये दोनों स्पेसेस डेज हाई पे भी थे, और दूसरा जो भारती जिसकी सुबह हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है ये दो कॉल्स रहेंगी। इस बीच हमारे